सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 7, जिसका नाम है पापा खो गए। यह पाठ एक एकांकी है। इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनमें संवेदना भी दर्शाई गई है। वहीं एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई भी स्थान नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर पात्रों और उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर है बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बैग्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बैग्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र में सनसनाती हवा का भाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। प्रकाश का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकाश मतलब रोशनी। आकृति, जिसका मतलब होता है आकार। सनसनाती, इसका मतलब है तेजी से। अब यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंबा, जम्हाई रोकते हुए मतलब आलस जब हम देते हैं तो वो रोकते हुए वह कहता है, राम राम राम, रात बहुत हो गई। ऐसा कौन कहता है? खंबा कहता है। पेड़ कहने लगा, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा कहने लगा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। हड़बड़ी मतलब जल्दी से। अब खंबा कहने लगा कि हमारी जो दिन होता है तो वह दिन जो है वह जल्द ही बीत जाता है। पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। बोरियत मतलब मन नहीं लगता है। जो रात है वह बहुत बड़ी होती है और हमें वह बोर करती है। तब खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता। बिजली के खम्भे का जल, बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। खंबा कहता है कि अरे बाबा, बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। आगे खंबा कहता है कि बरसात की रातों में तो रात भर हमें भीगना पड़ता है और बादलों की से जो पानी गिरता है उस पानी में तेज हवाएं भी बहती है और हमारे खंबे पर जो बल्ब गिरता लगा हुआ रहता है उसे हमें कस कर पकड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तेज हवाओं के कारण वह जो बल्ब है वह खंबे से ना गिरे। आगे पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। आफत मतलब बच्चों मुसीबत, और गड़गड़ाना मतलब आसमान से जो बिजली गड़गड़ाती है उसकी आवाज़। पेड़ कहता है कि एक रात आसमान से बिजली भी मुझ पर गिर पड़ी थी, तब मैं बहुत डर गया था, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गिरी थी और मेरा दिल धक धक करने लगा था। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा बहुत गहरा था, एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा था। खंबे महाराज, जो पेड़ है वह खंबे को ये सारी बातें बताता है। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे वह रात याद आती है और मैं काँपने लगता हूँ। खंबा कहता है, मेरी तबीयत की लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? यहाँ पर खंबा कहता है कि मेरी जो तबीयत है
मेरी तबीयत लोहे जैसी है, मैं कभी बीमार पड़ता ही नहीं, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड हो और कितनी भी धूप हो, मैं हर मौसम में मेरे जगह पर खड़ा रहता हूँ। ना मुझे धूप लगती है, ना मुझे ठंड लगती है, ना मुझे बारिश का पानी लगता है। मेरा शरीर जो है वह लोहे का बना हुआ है। कितनी रातें, कितने दिन बीत गए, लेकिन मैं मेरे ही जगह पर खड़े रहता हूँ और मेरी जो नौकरी है वही नौकरी मैं करता हूँ। पेड़ कहने लगा, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। पेड़ कहता है कि अरे बाबा, तुमसे पहले तो मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि मेरा पत्तों का कोट जो मैं पहनता हूँ उससे मुझे सर्दी, बारिश या धूप से उतनी तकलीफ नहीं होती है, मैं तो तुमसे पहले जन्मा हुआ हूँ और मैं ये सारी मुसीबतों का सामना करते रहता हूँ। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी, अकड़ का मतलब घमंड, वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई, हाँ अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। आगे पेड़ कहता है कि पहले तो मैं यहाँ पर अकेला ही था, मेरे सामने मुझे सिर्फ एक नाचने वाली औरत जो थी वो भी, उसका पोस्टर भी मुझे नहीं दिखता था, सिर्फ मेरे सामने एक समुद्र था, बाकी मुझे चारों ओर कुछ भी नज़र नहीं आता था, मैं अकेला ही महसूस करता था। पर जब तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया, मतलब कि खम्भे को जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मुझे कोई साथी मिल गया है, मुझे कोई दोस्त मिल गया है, पर तुम तो मुझसे बात करने को ही तैयार नहीं थे, वो खम्भे से कहता है, और तुम्हारी जो अकड़ थी वो तो कायम ही थी, मतलब स्थिर ही थी, तुम तो अकड़ से दूर भागना ही नहीं चाहते थे। जब तुम्हें ही मेरे साथ बात नहीं करना था तो फिर मैं क्यों तुम्हें बार बार आवाज़ लगाऊँ। तो पेड़ खम्भे से कहने लगा कि मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। तब खम्भा पेड़ से कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खम्भा कहता है, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया, हाँ तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। यहाँ पर बच्चों गरूर का मतलब है घमंड। तो खम्भा कहता है कि जब मैं तुम पर गिरा तो तुमने मुझे संभाल लिया, मतलब यह जो खम्भा था यह पेड़ पर तेज हवाओं के कारण गिर गया था, तो उसे संभालने वाला वही पेड़ था। तो खम्भा कहता है कि जब तुमने मुझे झेल लिया, तुमने मुझे पकड़ लिया, तो मैं बच गया, वरना मैं गिरकर चकनाचूर हो सकता था, मेरे टुकड़े टुकड़े हो सकते थे और मैं जख्मी हो सकता था, और तभी जब तुमने मुझे बचाया तभी मेरा घमंड चूर चूर हो गया और मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। पेड़ कहने लगा, हवा आज भी बहुत है। पेड़ ने उसे याद दिलाई कि आज भी बहुत तेज हवा चल रही है। दोनों चुप थे। हवा की आवाज़, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुटने बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, लेटर बैक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। जैसे ही तेज हवा बहती है, उन तेज हवाओं से जो पोस्टर बनता है जिसमें नाचने वाली औरत दिखाई जाती है, वह पोस्टर टेढ़ा हो जाता है और उसके घुंघरू बजते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वही पोस्टर सीधा हो जाता है और एक दोहे का जो चरण है, मतलब जो दोहा है, वह गुनगुनाता हुआ और फिर से रुक जाता है। अब आता है कौवा।
पेड़ के पीछे से झांककर। अब ये जो कौवा है ये पेड़ के पीछे से झांककर कहता है, काव काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। चैन मतलब आराम। कौवा कहता है, कौन है जो इतने रात में अपनी मीठी आवाज से मेरी नींद खराब कर रहा है। तब लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे। कहता है, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। अब जो लेटर बॉक्स है वह कहता है कि क्या हम सुरीली आवाज में ना गाए तो कौवे की जो कर्कश आवाज है उसमें हम गाना गाए। और कहता है, मुझे जरा भी चैन नहीं। और फिर लेटर बॉक्स में से एक पत्र निकलता है और धीरे से खोलकर कागज की रोशनी में वो पढ़ने लगता है। तो उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है बच्चों, यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है। लेटर बॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? वह पेटी जिसमें चिट्ठियाँ डाली जाती है ना, हम जिसे लेटर बॉक्स कहते हैं, जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं। तो उस पत्र में यह लिखा होता है कि आपका जो बेटा है परीक्षित वह बड़ा कमजोर है, मतलब वह पढ़ाई नहीं करता है और क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और क्लास से गायब होकर वह बाहर खेलने जाता है। तब पापा से हेडमास्टर ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आइए, मुझे परीक्षित के बारे में कुछ कहना है। पर पापा जाकर करे भी तो क्या करे, स्कूल की फीस जब देते हैं तो वो कहते हैं, पापा मतलब सारे पापा लोग ऑफिस में जाकर कहते हैं, फीस क्या फोकट में आई है? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ऑफिस में जाकर काम करते हैं, तब जाकर हमारे पास पैसे आते हैं और वह पैसे हम आपको जमा करते हैं। तो परीक्षित के होश अच्छे ठिकाने लगते हैं। वह पत्र रख कर वह दूसरा निकालता है, यह किसका है? अब एक पत्र पढ़कर वह दूसरा पत्र निकालता है और कहता है, यह पत्र किसका है जरा देखूं। खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। अब खंबे ने लेटर बॉक्स को देख लिया कि वह चोरी चोरी किसी के पत्र पढ़ रहा है। लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहता है, चोरी चोरी, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, मतलब मेरे ही लेटर बॉक्स में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कहने लगा, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो। पेड़ कहने लगा कि अगर तुम्हारे कब्जे में चिट्ठियां है तो क्या तुम किसी की भी चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ोगे, अगर पोस्टमास्टर को पता चला तो। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। लेटर बॉक्स कहता है कि पता अगर चलता है तो चलने दो, पर मैं यहाँ रात दिन भर यहाँ पर खड़े रहता हूँ, मेरे जैसा कोई खड़ा दिखा यहाँ पर रहकर दिखा तो दे। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, फिर से लेटर बॉक्स यह कहते हुए जमाई लेता है, मतलब आलस देता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। अब ये जो लेटर बॉक्स है इसे तो एक ही जगह बैठना है, इसकी तो मजबूरी है, पर यह बोर नहीं होता है। कहता हूँ, चार चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लूँ तो क्या हो गया,
अब वह बोर होने से अच्छा है कि उसके पेट में जो चिट्ठियां है वह पढ़ ले तो उसका मन लग जाए। तब पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़ना चाहिए, वह प्राइवेट होती है प्राइवेट। पेड़ कहता है कि जो चिट्ठियां जिसके लिए लिखी जाती है वही पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि ये जो चिट्ठियां होती है ये प्राइवेट होती है, प्राइवेट मतलब निजी होती है। लेटर बॉक्स कहने लगा, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही तो जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। अब लेटर बॉक्स कहता है, मैं तो सिर्फ चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ, पर उस पत्र के अंदर जो लिखा हुआ रहता है वह थोड़ी मैं निकालता हूँ, मैं तो सब सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता हूँ, इसीलिए तो मुझ पर गर्व है और मुझे अपना महत्व लगता है। पेड़ कहता है, कोई आ रहा है लगता। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तेज हवा में एक भिखारी आता है जिसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की दिखती है। अब वह आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटा कर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। अब आदमी खुद अपने आप से कहने लगा कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, मुझे और दूसरा काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यह घर से एक लड़की उठाकर लाई है, यह लड़की बहुत गहरी नींद में है और अभी तक ये उठी नहीं है, उठेगी भी कैसे, इसे मैंने बेहोशी की दवा जो दे रखी है। अब मुझे दिन भर से कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे भूख लगी है, चलो क्यों ना मैं थोड़ा मेरे खाने का के बारे में सोचूं और इधर उधर तलाश करूं कि मुझे कुछ मिल जाए। अब मैं इस लड़की को यहीं छोड़ देता हूं, क्योंकि इस वक्त यहां पर कोई भी आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। यह जो आदमी है यह पेड़ की ओट में मतलब पेड़ के पीछे उस लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है कि फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अब यह जो आदमी है यह उस लड़की को छोड़कर इधर उधर देखते रहता है, चौकस मतलब चौकन्ना होकर, और फिर धीरे धीरे एक एक कदम सावधानी से रखता है और वहाँ से निकल जाता है। खंबा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। अब खंबा और पेड़ ये दोनों भी वह सारी बातें सुनते हैं और देखते हैं। तभी खंबे को कुछ अजीब सा लगता है और खंबा पेड़ से कहता है कि पेड़ राजा जरूर कोई बात है। पेड़ कहता है कि हाँ, यह जो आदमी है यह बहुत बुरा नज़र आता है और उसने जिस लड़की को उठाया है वह लड़की तो बहुत छोटी है। लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कहता है कौवे को जगाते हुए, अब वह जो कौवा है वह पेड़ पर ही बैठा है, तो पेड़ उस कौवे को जगाता है और उससे कहता है, ए कौवे जागना जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया क्या? पेड़ कहता है, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। अब पेड़ उस कौवे से कहता है कि यहाँ पर एक दुष्ट आदमी जो है एक छोटी सी लड़की को उठाकर लाया है, तू चुप रह वरना वह लड़की उठ जाएगी। कौवा आलस से उठते हुए कहता है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। अब ये जो कौवा है यह नींद से उठता है और फिर देखने लगता है।
खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर, मतलब उसे भी यह बात कुछ हजम नहीं हुई। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लाया। चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे, अब लेटर बॉक्स कहता है जैसे चील चूहे को उठा लाती है वैसे ही इस नासपीटे ने इस अच्छी सी प्यारी सी लड़की को सोते हुए ही उठा लाया। खंबा कहने लगा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो। अब खंबा उस लेटर बॉक्स से कहता है कि मैं तो खड़े के खड़ा ही हूँ, मैं तो झुक ही नहीं सकता, पर मुझे उस लड़की को देखना है। तो वह लाल ताऊ से कहता है क्या वह अभी भी सो रही है। उसे लड़की के बारे में जानने की उत्सुकता थी। लेटर बॉक्स कहता है हाँ 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 खंबे महाराज, कौवा आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ कहने लगा इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखता है अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। कौवा पेड़ से कहता है कि इसे जिस आदमी ने उठाकर लाया है वह आदमी कहाँ है। खंबा कहने लगा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। अब वह जो दुष्ट आदमी था जिसने उस लड़की को उठाकर लाया था वह सारी बातें अपने मन ही मन कह रहा था, तो उसकी ये जो सारी बातें हैं इस खंबे ने सुनी। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा और यह खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है। नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। लेटर बॉक्स जो है वह उस बच्ची के बारे में बहुत सोचने लगता है कि मुझे तो कल्पना करना भी कठिन है इस बच्ची के साथ आखिरकार क्या होगा पता नहीं। कौवा कहता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ऐसा होते देखा है। कौवा कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारी जगह देखा है कि ऐसे दुष्ट लोग बहुत सारे बच्चों को उठा ले जाते हैं। पेड़ कहता है मैं बताऊँ अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। अब ये जो सारी बातें हैं ये सारी बातें पेड़ लेटर बॉक्स खंबा और कौवा इनके बीच होती है। ये चारों एक दूसरे से कहते हैं इस दुष्ट आदमी को इतना गंदा काम हम तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, उसे इस छोटी सी लड़की को हम यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह और करीब से, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कहता है मैंने उस दुष्ट आदमी को देखा है, वह बड़ा दुष्ट और बड़ा गंदा नज़र आता है, थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं यह मुझे ना उठा ले जाए। कौवा कहता है ताऊ आपको, मतलब कि कौवा लेटर बॉक्स को लाल ताऊ, अब लेटर बॉक्स जो है उसका रंग लाल कलर का होता है इसीलिए कौवा उसे लाल ताऊ कहता था। खो खो करके हंसता है कौन, तो कौवा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों के सामने देखती है, उसे क्या नजर आता है, पेड़ खंबा लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। अब जब लेटर बॉक्स कहता है कि मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा कि यह दुष्ट आदमी कहीं मुझे ना उठा ले जाए, तो इस बात पर कौवा खो खो करके हंसता है। तब लेटर बॉक्स कहता है इतना मुंह फाड़कर मत हंस, इसमें मैंने गलत क्या कह दिया। खंबा उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ कहता है छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। अब पेड़ कहता है कि छोटे बच्चों को उठाकर उसका गलत उपयोग करना, इससे और गंदा काम क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, मतलब उसे लगता है मैं कहाँ आ गई। फिर लेटर बॉक्स कहता है कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने।
कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। गश्त मतलब तुम्हें घूमना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ कहता है, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, मतलब लड़की ये जब सारा नजारा देखती है, खम्भे को, पेड़ को, कौवे को, और उनकी बातें जब सुनती है तो उसे लगता है क्या कहीं मैं स्वप्न देख रही हूँ। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब उसे ये सभी लोग बातें करते हुए नजर आते हैं, पर जब वह लड़की उनके पास जाती है तो उसे यह सारी चीजें निर्जीव लगती है। अब बच्चों, अगर तुम पेड़ के पास गए तो पेड़ क्या आपसे बात करेगा? नहीं। अगर तुम लेटर बॉक्स के पास जाओगे तो क्या लेटर बॉक्स तुमसे बात करेगा? नहीं, क्योंकि यह निर्जीव है। हमसे तो कौवा भी बात नहीं करता। कौवा बोलता है, कौवा सजीव है, पर अगर आपने पूछा कौवे को, कौवे कैसे हो, तो क्या कौवा आपको बोलेगा अरे हाँ मैं तो मजे में हूँ? नहीं। तो इसी तरीके से वह सोच रही थी कि अरे यह तो निर्जीव है। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? लड़की खुद ही मन में सोचने लगी कि यह तो निर्जीव है, यह तो बोल ही नहीं सकते, फिर मुझे जो सुनाई दे रहा था, मैंने जो देखा, क्या वह सपना था या कुछ और था? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? लड़की सबसे पूछने लगी कि यहाँ पर कौन है, कौन मुझसे बातें कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सारी बातें वह डर के मारे कहने लगी। यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। अब वो लड़की सारे सवाल पूछने लगी, कौन है यहाँ पर, मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरी मम्मी पापा सब कहाँ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे सब सच सच बताओ, यहाँ पर कौन है जो मुझसे बात कर रहा है, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चिल्लाऊंगी। ऐसा वो लड़की जोर जोर से कहने लगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। जब हमें डर लगता है बच्चों, तो हम एक कोने में अपने घुटनों को पकड़ कर सिकुड़ कर बैठते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति उस लड़की के साथ हुई थी। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। वह लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप नहीं रह जाता, बहुत घबरा गई है बेचारी। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। अब लेटर बॉक्स जो है वो पेड़ से कहता है कि अब मैं और चुप नहीं रह सकता, देखो तो वह लड़की कितनी घबराई हुई है। अब लेटर बॉक्स उसके पास जाता है और उस बच्ची से कहता है कि बच्ची तू घबरा मत, मतलब डर मत। लड़की कहती है, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? अब जब लड़की ने देखा कि लेटर बॉक्स बोल रहा है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की कहती है, सच? लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मत जा, मतलब उसे बहुत खुशी होती है। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। अब लेटर बॉक्स से वह लड़की पूछती है, क्या तुम बोल सकते हो, क्या तुम चल सकते हो? लेटर बॉक्स कहता है, क्यों नहीं, मैं बोल भी सकता हूँ और मैं चल भी सकता हूँ। और उसने दो कदम चलकर दिखाया। जैसे ही उसने चलकर दिखाया, लड़की हंसने लगी, वह बहुत खुश हो गई। लेटर बॉक्स खुश होकर कहता है, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की कहती है, सच? उसे एक एक बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है,
लड़की तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटो के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। अब लड़की और लेटर बॉक्स इन दोनों में बातें होती है। वह लड़की जो डरी डरी सी थी, उस लड़की का डर जो था इस लेटर बॉक्स ने भगाया और वह बहुत मजे से उस लेटर बॉक्स के साथ निडर होकर बातें कर रही थी। लड़की कहती है, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है सपना। अब उस लड़की को ऐसा लगता है कि क्या कभी लेटर बॉक्स मतलब कि निर्जीव चीज भी बोल सकते हैं। वह उस लेटर बॉक्स से कहती है, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यो ही लगता है, तू रहती कहाँ है? लड़की कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है यहाँ कहाँ? लड़की, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स कहता है, यह तो अच्छा है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की कहती है, नाम, हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? या तो कोई नहीं। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। अब यह जो लेटर बॉक्स है वह उस लड़की को उसका पता पूछ रहा है। सबसे पहले तो लेटर बॉक्स ने उस लड़की से क्या पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? अब उस लड़की ने सहजता से उत्तर दिया, मैं घर में रहती हूँ। अब इस लेटर बॉक्स ने धीरे 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 उससे सवाल करके उसका पता पूछना चाहा, पर लड़की ने सही तरीके से पता नहीं बताया। आखिरकार लेटर बॉक्स रोड तक आ गया। अब उसे रोड का नाम भी पता नहीं था। फिर लेटर बॉक्स ने अपने पेट से एक पत्र निकालते हुए कहा, देखो बच्ची, इस पत्र में, इस लिफाफे पर जो पता लिखा हुआ है ना, वैसा कोई तुम्हारे घर का पता है क्या? लड़की कहने लगी, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। अब उसे खंबे की आवाज आती है, फिर वह खंबे की तरफ देखने लगती है तो खंबा एकदम से चुप हो जाता है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? अब लड़की को थोड़ा सा और आश्चर्य लगता है कि पीछे से किसकी आवाज आई। लेटर बॉक्स, खंबा जीप काटकर। लेटर बॉक्स ने तुरंत उत्तर दिया कि खंबा बोला, नहीं नहीं यू ही लगा तुझे, यू ही, मतलब कि लेटर बॉक्स उसे कुछ भी बातें बताना नहीं चाहता था। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। अब पेड़ ने भी तुरंत हाँ कहा। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। अब वह लड़की कहने लगी कि जरूर, देखो देखो मुझे उस पेड़ पर से आवाज आई है। फिर कौवा तुरंत कहता है, मैंने नहीं की, वह चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यहाँ? कौन? कौवा? खंबा? गधा है यह भी। अब सब धीरे 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 अपना मुंह खोलने लगे। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पाँव टिकाती है, घुंघरू की आवाज। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है। अब उसकी
जो पोस्टर है उसका पोस्टर जो फिर से उसका संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब वो पोस्टर फिर से टेढ़ा हो जाता है और उसके घुंघरुओं की आवाज़ आने लगती है। तो उसे उस लड़की को उसके घुंघरुओं की आवाज़ जैसे ही आने लगती है, वह लड़की आश्चर्य से कहती है कि यहाँ पर कौन है जो नाच रहा है। लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। अब जब उसको सारी बातें पता चल ही गई, उसे सब तरफ से आवाज़ आ ही रही थी, तब लेटर बॉक्स ने उसे सारी बातें बता दी। लेटर बॉक्स कहने लगा कि तू डर मत, हम ही लोग तुझसे बात कर रहे हैं। तब वह लड़की कहने लगी, हम का क्या मतलब है, यहाँ पर और कौन कौन है जो बात कर रहा है। तब लेटर बॉक्स कहता है, हम यानी कि मैं, लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंबा, कौवा और यह सिनेमा का पोस्टर। फिर से वह चकित हो उठती है। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते। लेटर बॉक्स कहने लगा कि हम बातें तो करते हैं पर हम इंसानों के सामने बात नहीं करते, ताकि इंसान लोग ना डरे, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो इंसानों को लगता है कि अरे ज़रूर यहाँ पर कोई भूत है और कोई भूत ही बात कर रहा है। पर जब हम अकेले होते हैं, जब यहाँ पर इंसान नहीं होते हैं, तब हम एक दूसरे से ऐसे ही बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, पुनः मतलब फिर से बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़ जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ता है, मतलब वह पोस्टर जैसे ही टेढ़ा होता है, फिर से उसके घुंघरुओं की आवाज़ आती है और फिर से वह पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े है, खूब खूब मज़े है, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। अब लड़की पूरी तरीके से निडर हो गई थी और उसे लगा, वाह कितनी मज़ा है यहाँ पर, मैं बहुत खुश हूँ। खम्बा, पेड़, कौवा तीनों एक साथ कहने लगे, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है, मतलब जोर से हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खम्बा सीधा खड़ा है। खम्बे, खम्बे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अब लड़की सभी को अपने पास बुलाती है, पहले थोड़ी देर तक तो कोई नहीं आता, फिर वह उनसे कहती है, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। फिर धीरे धीरे सब लोग उसके पास आकर बैठ जाते हैं, पर खम्बा नहीं आता। खम्बा कैसे झुकेगा, खम्बा तो सीधा खड़ा है, खम्बा झुक ही नहीं सकता। वह बार बार उस खम्बे से कह रही है, अगर तुम नीचे नहीं बैठे तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बिचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खम्बा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। चलो। अब सब लोग कहने लगे कि यह खम्बा जब यहाँ पर इसे खड़ा किया गया तब से यह ऐसे ही खड़ा है। तो वह लड़की कहने लगी, बाप रे यह ऐसे ही खड़ा है, मानो किसी टीचर ने सजा दी हो। तो सब सिर हिलाते हैं और सब कहते हैं, चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खम्बे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, क्योंकि वह बहुत खुश होती है जब सब लोग उसके आजू बाजू बैठ जाते हैं। एक लड़का बैठ जाता है, बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, मतलब कि खम्बा। खम्बा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, अब वह जब से खड़ा था
जब से उसे वहां पर खड़ा किया गया तब से वह कभी बैठा ही नहीं, पर जब आज उस लड़की के पास वह बैठा तो उसे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। सच सच बताओ, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है, मतलब हमारे नसीब में तो बैठना ही नहीं है, हम सपना ही देखते हैं, पर सपने में भी हमें बैठना बहुत अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था, मतलब पेड़ तुरंत कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम यहाँ कैसे आई, और तुरंत वह रुक जाता है। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर। अब वह सबको अपने मित्र समझने लगती है, खंबा, पेड़, कौवा, जो लाल ताऊ था, मतलब कि जिसमें पत्र रखे थे, लेटर बॉक्स, तो सभी को यह अपने मित्र समझ बैठी। उसमें से वह सभी को कहने लगी कि यह लड़का तो कुछ भी बोल देता है, इसे अब मैं 0 नंबर दूंगी। पेड़ खंबे को आँख मार कर कहता है, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ए हम अब खेले। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज, मत जा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोच कर। ए, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। अब जब वह पोस्टर गिरता है और उसके घुंघरुओं की आवाज आती है, तब वह लड़की कहती है कि अरे यहाँ पर कोई लड़की जो है वह बार बार गिर रही है, मतलब पोस्टर पर जो नाचने वाली औरत थी उसे उसने अपनी सहेली बनाई थी। अब वह उस पोस्टर वाली औरत से कहती है, क्या मैं तुम्हें नाचना सिखाऊं, मुझे मेरे मम्मी ने नाचना सिखाया है। सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से कहता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा कहता है, उस बच्चे को उठाने वाले को, इसे अभी ले जाएगा वहाँ। अब ये लोग इधर बहुत ही चिंतित थे, वह लड़की मजे से नाच रही थी, पर इन लोगों को चिंता खाए जा रही थी कि वह दुष्ट अब आएगा और इस बच्ची को उठा ले जाएगा। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता है, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? अब ये लोग सोच में पड़ गए कि अब करे तो क्या करे। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं, तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध, मतलब कि सभी लोग मजा करते हैं, सभी लोग नाचते हैं, पर इधर खंबा, पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स, इन लोगों को चिंता खाए रहती है कि यहाँ पर कभी भी वह बच्चे उठाने वाला आ सकता है और इस छोटी सी लड़की को लेकर जाएगा। और थोड़ी देर बाद वह दुष्ट आदमी आता है और सभी उसे देखने के बाद निस्तब्ध हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। जैसे ही उस दुष्ट आदमी को देखते हैं सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, और वह जो लड़की थी वह बहुत घबरा जाती है और पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाती है। आदमी मूछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। अब वह आदमी अपनी मूछ पर हाथ फेर कर कहता है, वाह आज तो मेरा पेट भर गया है, चलो अबे मैं उस लड़की के पास जाता हूँ। और जब वह उस लड़की के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर वह लड़की ही नज़र नहीं आती, उसे सिर्फ उसका कोट ही नज़र आता है, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि कहाँ गई है लड़की, कहाँ गई, अब मैं उसे पकड़ कर ही रहूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे चकमा देती है यह लड़की। और वह उसे ढूंढने लगता है।
पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, मतलब प्रयास करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। अब जैसे ही उस दुष्ट आदमी को वह लड़की दिखाई देती है, वह उस लड़की के पीछे पीछे उसे पकड़ने का प्रयास करता है, और यह लड़की कभी खंबे के पीछे, कभी लेटर बॉक्स के पास खुद को बचाने का प्रयास करती है। और ये जो लेटर बॉक्स, खंबा, कौवा, पेड़, ये भी थोड़े से सरक सरक कर उस आदमी के बीच में आने से उसे उस लड़की को पकड़ने से बचाना चाहते हैं। और आखिरकार वह लड़की जो है वह दूर जाकर खड़ी रहती है। और तभी एक जोर से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत, पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स तीनों एक साथ कहते हैं भूत भूत, तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। अब जैसे ही वह दुष्ट आदमी उस लड़की को पकड़ने का प्रयास करता है, कौवे की बुद्धि चल पड़ती है और कौवा सोचने लगता है, क्यों ना मैं जोर से चिल्लाऊं भूत करके, ताकि यह दुष्ट आदमी यहाँ से भाग जाए। और कौवा भूत करके जोर से चिल्लाता है। उसी के पीछे पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स भी भूत भूत चिल्लाते हैं। उस दुष्ट आदमी को सुनाई पड़ता है कि अरे, यहाँ पर भूत कौन चिल्ला रहा है। जैसे ही उसे भूत यह शब्द सुनाई आता है, वह डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और उसे भागता देख सारे लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद्द उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है। कौवा, वो कौन। पेड़, कौन। खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा कहता है, देखूं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। अब जब ये लोग उस दुष्ट आदमी को भगाते हैं और इधर वह लड़की उन्हें गायब दिखती है, सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि अरे, यह लड़की आखिरकार गई कहाँ, और सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। खंबा, गई कहाँ। कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स कहता है, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश, फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश होकर, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। अब सभी लोग बड़े चिंताग्रस्त होते हैं और सभी निराश होकर एक दूसरे से कहते हैं, हमने तो बहुत ढूंढा पर वह लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही है, बड़ी प्यारी बच्ची थी वह, पर वह एकदम से अचानक से जो नाचने वाली का पोस्टर था उसके पीछे से वह धीरे से झांक कर देखती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो, मतलब वह छुप कर बैठी थी। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है, मतलब वह सभी को दौड़ाती है, इधर उधर भगाती है, और सभी उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करके सभी थक जाते हैं। आखिरकार उसे वह कौवा पकड़ ही लेता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ लिया। लड़की कहती है, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, आहा मज्जा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। ए, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। हाँ, मुझे अब बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं।
लेटती है, बहुत थक गई मुझे उठा देना हाँ फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई मुझे उठा देना हाँ फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है, सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। अब वह बहुत दौड़ती है और सबको अपने पीछे पीछे दौड़ाती है और ऐसा करके वह थक जाती है और अब सबसे कहती है अब मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है और मेरी नींद होने के बाद मुझे उठा देना फिर हम और मज्जा करेंगे। कौवा, सो गई बच्ची, पेड़, थक गई थी ना बहुत तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाता है। ये लोग उसकी इतनी चिंता कर रहे थे मानो उनकी खुद की बच्ची हो। देखो बच्चों, जब हम लोग भी बहुत खेलते हैं और जब हम थक जाते हैं हमें तुरंत नींद आती है और फिर हमारी मम्मी हमें प्यार से थपथपाकर सुलाती है और हमारे पैर दबाती है। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ। खम्बा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपने गली का नाम तक नहीं बता सकती वह, बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खम्बा कहता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊँ? सभी, क्या? अब सभी को प्रश्न पड़ा कि यह कल अगर सुबह हुई तो ये जाएगी कहाँ, सब एक दूसरे से सवाल करने लगे। तभी कौवा अचानक कहता है मैं बताऊँ यह दिन निकलते ही कहाँ जाएगी? सब लोग उससे पूछने लगी कहाँ जाएगी। कौवा कहने लगा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी, उठकर कैसे? कौवा, आसान है, सुबह जब वो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खम्बे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खम्बा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता, पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खम्बा, रहूँगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा, एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है, पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके काम में और कुछ कहता है, लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, अंधेरा कुछ देर बाद उजाला। अब कौवे को एक उपाय सूझता है, कौवा खम्बे से कहता है कि तुम्हें आड़ा होना होगा, मतलब यहाँ पर पुलिस आएगी और पुलिस को ऐसा लगेगा मानो कोई एक्सीडेंट हुआ है और फिर यहाँ पर हम उस छोटी सी लड़की को दिखाएंगे और फिर वह उसके घर का पता ढूंढेंगे और इस तरीके से हम उसे उसके घर पहुँचा देंगे। तो इस तरीके से कौवा, लेटर बॉक्स, पेड़, ये जो है ये एक साथ एक दूसरे के साथ सोचते विमर्श करते रहते हैं कि आखिरकार हमें उस लड़की को उनके घर तक पहुँचाना ही है। अब यहाँ पर कौवा लेटर बॉक्स से भी कुछ कहता है। सुबह होती है, खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लकड़ी पर झुककर अपनी छाया किए हुए है, कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं, पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इसमें मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें
जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। अब यहाँ पर उस लड़की के घर का पता ढूंढने के लिए कौवा, पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स, ये सब अपना अपना काम करने लगते हैं। पेड़ जो है वो झुककर अपनी छाया किए हुए रहता है, खम्बा जो है सुबह सुबह टेढ़ा होकर खड़ा रहता है, कौवा जो है वो जोर जोर से काव 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 करके सबको सुनने देता है। सिनेमा का जो पोस्टर है वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है पापा खो गए हैं, और इस तरीके से लेटर बॉक्स कहता है कि आपको अगर इस प्यारी सी बच्ची के पापा अगर मिल जाए तो कृपया करके उन्हें जल्दी से जल्द यहाँ से लेकर आइए और यहाँ से उनकी बच्ची को ले जाइए, और इस तरीके से इस नाटक का पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर ये जो लेखक है विजय तेंदुलकर, इन्होंने निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है, और यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।